एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 9, हमने लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करनी है और उनकी नेचर बतानी है। तो सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। फंक्शन हमारे पास है 5x^5 - 10, -5 इज कांस्टेंट, इसको बाहर लिख दिया। x^5 का डेरिवेटिव 5 फ्रंट पे आ जाएगा और x की पावर में 1 माइनस कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 10 क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। 5 × 5 = 25 - 25 x^4 आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को कुछ तो 0 रख देते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं, दोनों साइड को -25 से डिवाइड कर दें, x^4 = 0 और दैट मींस कि x = 0। अब हमने लोकेशन फाइंड करनी है क्रिटिकल पॉइंट की, तो इस x की वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं जो कि 0 है। तो फंक्शन में x की जगह पे 0 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आ गया, -10। दैट मींस कि x = 0, y = -10, दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब हमने इसकी नेचर बतानी है कि इसके ऊपर रिलेटिव मिनिमा है, मैक्सिमा है, कनकेव अप है या डाउन है, या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट के लेफ्ट पे भी पॉइंट ले लेते हैं और राइट पे एक पॉइंट ले लेते हैं। तो लेफ्ट पे हमने -1 लिया, राइट पे 1 ले लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स की जगह पे हमने -1 पुट किया, आंसर इज -25 विच इज लेस देन 0। जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर 1 पुट किया उसका आंसर भी क्या है, -25 विच इज लेस देन 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर ये दोनों के साइन सेम आ जाए और उसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था, हमने उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट था -25x^4, तो -25 एज इट इज आएगा, x^4 का डेरिवेटिव क्या होता है ये, तो 4 जब -25 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो -100x^3। अब इसमें हम x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, साइन दोनों के सेम, डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0, दैट मीन्स कि ये पॉइंट क्या है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।